नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। और जैसा कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी, सो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, संगीत में लिखते कैसे हैं। तो संगीत में जैसा लिखने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे, अगर मैं आपको कोई नोटेशन दूंगा तो आपको लिखना पड़ेगा, या उसको आप कोई लिखी हुई जो 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 संगीत की जो भाषा है उसको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बहुत सारे चिन्हों का जानना जरूरी है। क्योंकि जैसे कभी हम कुछ चीज़ें मध्य सप्तक में करते हैं, मंद्र सप्तक में करते हैं, तार सप्तक में लिखते हैं, तो उसके चिन्ह क्या हैं। कभी कभी हम बहुत तरीके से एहसासों से बजाते हैं, इमोशन से बजाते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन ऑफ फ्लूट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कर्ण स्वर, खटका, मींड, तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कुछ बातें, और ये जो स्वर हैं वो कैसे आई उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे मित्र सूर्य आपसे जुड़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छी तरीके से बताएंगे कि कैसे लिखते हैं और किस तरीके से इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थ्योरेटिकल लेसन है और हम प्रैक्टिकल भी जो है इन सारी चीज़ों को जल्द ही सीखेंगे। चलिए मिलते हैं सूर्य से। नमस्ते दोस्तों, आज मैं सूर्या फिर आज दोबारा अपने दोस्त विक्रम के YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। दोस्तों पिछली बार जब हम जुड़े थे तो हमने आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कुछ उसके इतिहास के बारे में बताया था। हमने आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में बताया था और उनकी स्वर लिपियों के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे उन स्वर लिपियों को लिखने का तरीका, उनकी पद्धति क्या है लिखने की, जो मुख्यतः आज गायन वादन में प्रचलित हैं, लिखने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो स्वर लिपियाँ क्या क्या हैं। लेकिन दोस्तों उससे वहाँ सीधे स्वर लिपि पे जाने से पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि सप्तक क्या है। हालांकि आपको इसके बारे में पहले जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से हम जानेंगे कि सप्तक के बारे में जानेंगे। तो सप्तक ये सात स्वरों का जो सम्मिश्रण है, ये सात स्वर ही सप्तक कहलाते हैं। सप्तक सा, सड़ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, और अंत में ये सा जो है, सा के ऊपर आप बिंदी देख रहे हैं, ये एक पद्धति है ऊपर वाले सा, हायर ऑक्टेव के सा को लिखने की। इस तरह से ये सात स्वर और इस सा को मिला के एक ऑक्टेव पूरा कंप्लीट होता है, एक पूरा ऑक्टेव होता है। लेकिन ये सात स्वर आए कहाँ से? ये सात स्वर पहले यदि हम अपने एंशियंट इरा में जाएँ तो एंशियंट इरा में अलग अलग किताबें लिखी गई अलग अलग समय पे, उसका क्रमिक विकास हुआ। तो आज हम थोड़ा उस क्रमिक विकास के बारे में भी चर्चा करेंगे कि सात स्वर ओरिजिनेट कहाँ से हुए, कहाँ पहली बार लिखे हुए वो पाए गए, सात स्वरों की चर्चा कहाँ पे है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि सबसे पहले सामवेद माना जाता है कि एक ऐसा चौथा वेद जो हमारा सामवेद है, वो माना जाता है कि उससे गायन था वादन की परंपरा शुरू होती है। क्योंकि उसके पहले वेद भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, गाया नहीं जाता था, पढ़ा जाता था। जैसा श्रुतियों में भी आप जानते होंगे कि वेद पढ़ई भट जन समुदाय, अर्थात लोग वेद पढ़ रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। तो सामवेद के आने के बाद गायन की परंपरा शुरू हुई। उसमें वेद में फिर तीन स्वरों में वेद को गाया जाने लगा, उद्दात, अनुदात और स्वरित। लेकिन ये सात स्वर तब भी नहीं थे। सात स्वरों की परंपरा मैंने आपको पहले बताया था कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, वहाँ पहली बार सात स्वरों का वर्णन पाया गया है। भरत मुनि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेके उसकी जो रचना मानी जाती है भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की, वो 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा मतलब 200 CE से क्राइस्ट इरा से लेके 200 BCE तक, बिफोर क्राइस्ट इरा मतलब 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा बाद तक की इसी कालखंड में इसकी रचना हुई। वहाँ पहली बार नाट्य शास्त्र में एक वर्ष है, एक श्लोक है जहाँ पे इन सात स्वरों का वर्णन है, वो है सड़जस्य ऋषभश्चैव गांधारो मध्यमस्तथा पंचमो धैवतश्चैव सप्तमो अथ निषादवान। वहाँ पे ये सात स्वर पहली बार उद्धृत किए गए उस नाट्य शास्त्र में। लेकिन उसके बाद भी इन कैसे स्वरों का उतार चढ़ाव कैसे हो, विभिन्न शैलियों में विभक्त कैसे किया गया इसको, उसके बाद भी क्रमिक विकास के तहत इनकी दो तीन और जो मुख्य ग्रंथ हैं, जैसे
ठीक नाट्यशास्त्र के बाद दत्तिल नाम के एक मुनि हुए, उन्होंने दत्तिलम लिखा। तो दत्तिलम में भी उन्होंने इन सात स्वरों का जिक्र किया जो नाट्यशास्त्र में था। उसके बाद उसकी विभक्तियाँ की, ऑक्टेव बनाए। उसके बाद लगभग उसमें आपको श्रुति, स्वर, अलंकार का वर्णन मिलता है। तो जो आपको इस वीडियो में पहले इस YouTube चैनल में बताया गया कि अलंकार, श्रुति, स्वर ये सब क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, वो सब पहली बार दत्तिलम नामक ग्रंथ में उद्धृत हुए थे। उसके बाद दोस्तों संगीत मकरंद लगभग 11वीं शताब्दी में लिखा गया। संगीत मकरंद, उसमें रागों को कैटेगराइज किया गया, विभिन्न रागों को उनके उनके तासीर के आधार पे उसको विभक्त किया गया, वो उसका मेन फीचर था। उस संगीत मकरंद में मेल, फीमेल और न्यूट्रल रागों का वर्णन है। कौन से मेल राग, फीमेल राग और न्यूट्रल राग कौन से हैं, उसका वर्णन है। उसके बाद एक प्रमुख ग्रंथ की यदि बात करें तो वो है संगीत रत्नाकर, जो सारंग देव ने लगभग 13वीं शताब्दी में लिखा था। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता ये है कि ये अपने पूर्ववर्ती तीनों ग्रंथों से भिन्न इसलिए था कि इसमें संगीत के गायन, वादन तथा संगीत का नृत्य में उपयोग कैसे किया जाए, इसका पूरा विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में है, जो लगभग 13वीं शताब्दी में लिखा गया, संगीत रत्नाकर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आमिर खुसरो और मुग़ल अम्पायर के टाइम पे, मुग़ल सल्तनत में भी इसका बहुत, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई, उसके घराना बनाए गए।